17 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस दिन को कांग्रेस पार्टी बेरोजगार दिवस के रूप में मनाती आ रही है। आने वाले 17 सितंबर को फिर एक बार बेरोजगार दिवस का आयोजन भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी एवं प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता देवाशीष जरारिया इंदरगढ़ में करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन बेरोजगार दिवस के रूप में मनाते जा रहे हैं। कार्यक्रम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के बैनर पर आयोजित किया जाएगा। इसमें जिले के सभी कांग्रेस संगठन पदाधिकारियों को आमंत्रित किया जाएगा। कांग्रेस नेता जरारिया ने इस आयोजन के सिलसिले में वृद्ध बैठक का आयोजन कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से चर्चा की और 17 सितंबर को अधिक से अधिक लोगों की संख्या एकत्रित करने के लिए अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी। जरारिया ने इस आयोजन में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को शामिल करने पर जोर दिया। आंदोलन पूरी तरीके से शांतिप्रिय और कोरोना गाइडलाइन के पालन में होगा। देखिए, हम लोग जब से मोदी जी ने बयान दिया है कि पकौड़ा बेचना भी रोजगार का एक साधन है, तब से और हम लोग हर वर्ष जो मोदी जी का जन्मदिन होता है उसको राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाते हैं। मोदी, ये जो भारत में इस समय भीषण बेरोजगारी फैली है, यह कुदरती नहीं है बल्कि सरकार की गलत नीति की वजह से, मोदी जी की गलत आर्थिक नीति की वजह से भारत में बेरोजगारी का आलम है। इस वजह से इस वर्ष हमने ये निर्णय लिया है कि इंदरगढ़ में 17 सितंबर को राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाया जाएगा और इसके संदर्भ में आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया है।